हेलो फ्रेंड्स, हिमाक्षी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ आज। ये पीछे जो मेरे ट्रक एक खड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं, ये ट्रक अराउंड 20 साल से जो मैं इसको देख रहा हूँ खड़े हुए, इसमें जो जानकारी हमको मिली है अभी ये ट्रक अराउंड 40 प्लस ईयर से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इस ट्रक के अंदर, ये इतना पुराना ट्रक है खड़ा हुआ कि इसके अंदर एक पेड़ भी आप देखेंगे अभी, मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर का पेड़। देखिए ये पेड़ का तना है, ये जो ट्रक के अंदर से ही निकला हुआ है। देखिएगा पूरा पेड़ है, ऊपर धूप भी काफ़ी चल रहा है, तेज़ है धूप। बहुत एक्साइटिंग चीज़ है ये देखने वाली है कि इतना यहाँ पे मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल है और यहाँ पे ऐसे ही ये वाला ट्रक खड़ा हुआ है। इसको हटाने के लिए कभी यूपी गवर्नमेंट या किसी इलाहाबाद ऑफिशियल ने कदम नहीं उठाए हैं, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये ट्रक अगर हेरिटेज साइट के लिए रिकमेंड किया जाए तो बहुत कोई ख़राब बात नहीं होगी इसके लिए। तो मैं अभी इसका इंटीरियर आपको व्यू दिखाता हूँ। इसके ट्रक के स्टेयरिंग इंजन अभी भी है इसमें तो, लेकिन ये काफ़ी ज़मीन में थक चुका है। ये इस ट्रक का इंटीरियर है। पेड़ का तना आप देख सकते हैं, कितना मोटा पेड़ का तना है जो काफ़ी ऊंचे तक और काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। ये पेड़, ये ट्रक के अंदर का इंटीरियर है जिसके अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये लकड़ी के सपोर्टर्स लगे हुए हैं और लोहे का भी सपोर्टर लगा है। इसमें थोड़ा सामान लोकल लोगों का पड़ा हुआ है जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं। इसके टायर्स अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। अब किस परिस्थिति में इस ट्रक को यहाँ खड़ा किया गया था वो तो बहुत देखने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी। ये तो टाटा का ट्रक है, आप अगर आप देखें यहाँ पर तो स्टीयरिंग है इसकी, इंजन अभी भी है, इसका एक्सल है, इसकी बॉडी काफ़ी जंग खा चुकी है, लकड़ी का इंटीरियर है, तो आई थिंक ये 60 साल पुराना ट्रक हो सकता है। इसमें कोई गाड़ी का इसका नंबर नहीं पड़ा हुआ है। पीछे भी इसके रिक्शे खड़े हुए हैं। ये इसका इंजन का मेन पार्ट है। अतिक्रमण बहुत ही हैम्परिंग है इलाहाबाद के लिए और इलाहाबाद में हो रहे अतिक्रमण से काफ़ी लोगों को दिक्कत है। ये चीज़ साफ साफ दर्शाता है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं अतिक्रमण में। तो ये कुछ एक्साइटिंग चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसमें लकड़ी के पल्ले, जैसे आजकल लोहे के चीज़ें बनती हैं, इसमें सब लकड़ी का लगा हुआ है। सब पेंट कुछ हद तक ख़राब हुआ है लेकिन पेंट अभी भी ज़िंदा है। इसमें अभी भी बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। टायर आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे तक धस चुका है, जो समय जो दिखाता है इस समय ने इसको कितना बर्बाद करके रखा हुआ है। चलिए, ये तो थी हिडन पेड़ की जानकारी जो एक ट्रक के अंदर से निकला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। कुछ एक्साइटिंग इन इलाहाबाद एंड न्यू नेम प्रयागराज। चलिए फ्रेंड्स, पेड़ आपको आप फिर से देख लीजिए। अगर आपको ये पेड़ इनसाइड द ट्रक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर हो सके तो इलाहाबाद आके अगर आपको देखने का मन है इस ट्रक को और इस ट्रक के अंदर जो के पेड़ को, तो ज़रूर आइएगा और देखिएगा। और कुछ अधिकारियों से जो इसको लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चैनल से कि इस ट्रक को रिस्टोर कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो इसको अगर रिमूव हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि सिंस अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग सच ट्री हेयर एंड सच ट्रक हेयर। इसी के साथ ब्लॉग अभी ख़त्म करता हूँ।
कुछ नेक्स्ट पे कुछ एक्साइटिंग और दिखाऊंगा, हैंगिंग वॉल ऑफ इलाहाबाद। तो कीप तो कनेक्टेड रहिए हमसे, लेकिन चैनल को यहाँ पे लिंक दिया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इलाहाबाद का मोतीलाल चिकित्सा क्लिनिक है, जो आपातकालीन स्थिति में लोगों को यहाँ बुलाया जाता, यहाँ भर्ती किया जाता है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, मैंने यहाँ पे एक दो बार लोगों को रिकमेंड भी किया है और ख़ुद भी लोगों को लेके आया हूँ। लेकिन इसके बाहर जो पड़े कूड़े को कुंभ के दौरान इसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से यहाँ के लोकल और यहाँ के अथॉरिटीज़ ने इस पर ध्यान नहीं देना स्टार्ट किया, और इससे ये हुआ कि यहाँ पे फिर गंदगी का अंबार लग गया है। ये हालत है इलाहाबाद में स्थित ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जो इमरजेंसी की सेवाएं देता है इलाहाबाद में।